हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम आपको पार्ट 3 पढ़ा रहे थे जिसका शीर्षक है मेरा बचपन, और आपको हम अगली वीडियो लास्ट वीडियो में हम बताए भी थे कि ये चैप्टर महात्मा गांधी जी के जीवन की घटना से संबंधित है। जैसा कि आपको हम बताए थे कि गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, और गांधी जी हमेशा सत्य मार्ग ही अपनाते थे, और गांधी जी अपने जीवन में कभी भी अपने से जो बड़े थे, बुजुर्ग थे, कभी किसी का अपमान नहीं किया, हमेशा वो सबका सम्मान करते थे। उनका ये मानना था कि अगर कोई हमसे बड़ा है तो हमें उसके अंदर गुण या दोष निकालने का कोई अधिकार नहीं है, हमें अपने काम से काम रखना चाहिए। तो आइए आज के हम इस वीडियो में आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसी समय के दो और प्रसंग सदा मुझे याद रहे हैं। किस समय के, मतलब जो उनका स्कूली जीवन था, स्कूल की लाइफ जो थी, उसी समय की बात है। उस समय की दो घटनाएं उनके जीवन की उन्हें याद है और उसका जिक्र आगे कर रहे हैं। गांधी जी कह रहे हैं, मुझे साधारणतः स्कूली किताबों के सिवा और कुछ पढ़ने का शौक नहीं था। मीन्स वो अपने कर्तव्य को बहुत ईमानदारी से निभा रहे थे। वो कह रहे हैं कि हम केवल अपने काम से काम, अर्थात केवल स्कूल की ही किताबें पढ़ते थे, और दूसरी अन्य किताबों को, जैसे कहानी हुआ या और कोई पुस्तक हुआ, इस सब चीज को पढ़ने की रुचि उनमें नहीं थी, और रुचि भी नहीं थी। और दूसरी चीज यह है कि उनको समय भी एक तरह से नहीं मिल पाता था, जैसा कि अगली लाइन में स्पष्ट है कि ऐसा वो क्यों नहीं कर पाते थे। सबक पूरा करना चाहिए क्योंकि डांट सही नहीं जाती थी, मास्टर को धोखा देना नहीं था इसलिए पाठ पढ़ता था। अर्थात जो उनके पास जो समय बचता था स्कूल से लौटने के बाद, वो उनका सारा समय जो स्कूल का कार्य होता था होमवर्क के रूप में, जिसे आप होमवर्क आपको जैसे दिया जाता है, तो जो टीचर्स के द्वारा जो उनको काम दिया जाता था उसको पूरा करने में ही उनका समय बीत जाता था, क्योंकि उनके अंदर ये मन में डर रहता था कि यदि हम अपना कार्य पूरा करके नहीं जाएंगे तो हमें स्कूल में पनिश किया जाएगा। इसलिए वो हमेशा अपने कार्य के प्रति सजग थे। मास्टर को धोखा देना नहीं था। धोखा देने का मतलब कैसे, आज जैसे आप लोग कहते हैं सर हमारा पैर दर्द कर रहा था, सिर दर्द कर रहा था, या हम कहीं चले गए थे, होमवर्क नहीं कंप्लीट कर पाए, लेकिन गांधी जी के जीवन में उनके साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। वो हमेशा अपने कर्तव्य के प्रति सजग थे। धोखा देना नहीं था इसलिए पाठ पढ़ता था, पर मन अलसाता था। अलसाने का मतलब मन नहीं कहता था, उनका आलस से उनको आता था, फिर भी डर के मारे कि हमें टीचर्स कल पनिश करेंगे या डांटेंगे मारेंगे, इससे उनका काम कंप्लीट होना चाहिए। तो इससे सबक पर मन अलसाता था, इससे सबक अक्सर कच्चा रह जाता था, यानी कि मन नहीं लगता था पढ़ने में, इसलिए उन्हें जो होमवर्क है या जो टीचर्स के द्वारा दिया गया कार्य है वो बढ़िया से याद नहीं हो पाता था। उस दशा में और कोई चीज पढ़ने की कहां सूझती, अर्थात उनके पास समय नहीं थी, जैसा कि हम पहले आपको क्लियर बताए। पर पिताजी की खरीदी हुई एक किताब पर मेरी नजर पड़ी, वह थी श्रवण पितृ भक्ति नाटक। जैसे श्रवण कुमार के बारे में आप जानते ही थे कि श्रवण कितने मातृ पितृ भक्त थे, वो हमेशा अपने माता पिता का सम्मान करते थे। उनके माता पिता, थोड़ा सा हम इस पर प्रकाश डाल रहे हैं, उनके माता पिता अंधे थे, और तीर्थ यात्रा उन्होंने एक कांवर में बैठा करके उनको तीर्थ यात्रा करवाने के लिए सोचा, और रास्ते में ही दशरथ के द्वारा उनको मार दिया गया। चलिए देखिए, वह थी श्रवण पितृ भक्ति नाटक, उसे पढ़ने की इच्छा हुई और मैं उसे बड़े चाव, चाव मिस होता रुचि, चाव से पढ़ गया। उन दिनों काठ के बक्से में शीशे से चित्र दिखाने वाले भी दरवाजे दरवाजे फिरा करते थे। तो एक जैसे काठ की संदूक होती थी, उसमें जगह जगह पर झरोखे झरोखा बना हुआ था, तो और उस झरोखे में शीशा लगा होता था, उसी से, उसको हम पहले बाइस्कोप कहते थे,
उसी से हम लोग या और भी जो पहले के लोग थे उसी से तरह तरह के नाटक वो देखा करते थे। उनसे मैंने श्रवण के अपने माता पिता को कांवर में बिठाकर यात्रा के जाने का चित्र भी देखा। तो कांवर में बैठाने का कारण यही था कि उनके माता पिता अंधे थे। दोनों चीजों का मुझ पर गहरा असर पड़ा। मुझे भी श्रवण के समान होना चाहिए। श्रवण के समान होने का मतलब क्या है कि अपने माता पिता का हमेशा आदर करना चाहिए। इससे देखिए हमें एक सीख मिलती है। इसलिए आपको भी ये चाहिए कि हम अपने माता पिता के साथ हमारे जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं सबका हम सम्मान करें, सबका आदर करें। तो हमारे अंदर ये भाव उत्पन्न होना चाहिए। यह भाव मन में उठने लगा। श्रवण की मृत्यु पर उसके माता पिता का विलाप आज भी याद है। जैसा कि हम आपको बताए कि उनके माता पिता को प्यास लगी और श्रवण कुमार पानी लेने के लिए ज्यों ही गगरी को पानी में डुबाए और उससे आवाज आई तो राजा दशरथ अयोध्या के राजा थे, जो शिकार करने के लिए निकले थे, वो समझे कोई जानवर जंगली जानवर पानी पी रहा है और तुरंत उन्होंने शब्द भेदी बाण चलाया दशरथ वो श्रवण कुमार को लगा और श्रवण कुमार वहीं भी वो मर गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो उनकी मृत्यु पर जिस तरह से उनके माता पिताजी विलाप कर रहे थे, जिस तरह से रो रहे थे, रुदन कर रहे थे, वो घटना उन्हें उनके जीवन पर अमिट छाप छोड़ गई। इस ललित छंद को मैंने बजाना भी सीख लिया। मुझे बाजा सीखने का शौक था और पिताजी ने एक बाजा भी दिला दिया। ललित मीन सुंदर छंद को उन्होंने अपने जीवन अपने वो बजाना सीख लिए और उनके पिताजी ने एक बाजा भी दिला दिया। करा इस बीच कोई नाटक कंपनी आई, मुझे उसका नाटक देखने की इजाजत मिली। उसमें हरिश्चंद की कथा थी। हरिश्चंद एक सत्यवादी राजा थे जिन्होंने यहां तक कि सत्य पर अडिग रहने के लिए उन्होंने अपनी पत्नी और पुत्र को भी बेच दिया। और इस तरह से राजा हरिश्चंद बहुत बड़े दानी थे और सपने में उन्होंने अपना सारा राज्यपाट दान कर दिया था और वो केवल कर्ज चुकाने के लिए ही अपने समेत वो पत्नी और बच्चे समेत वो खुद बिक गए। देखिए आगे, यह नाटक देखने से मेरी तृप्ति ही न होती। तृप्ति न होना का मतलब संतोष न होना, मन का न भरना। उसे बार बार देखने को जी चाहता। जैसे हमको संतोष अगर किसी चीज से नहीं होता है तो हम उसको बार बार चाहते हैं कि हमें वो चीज प्राप्त हो जाए। यही घटना महात्मा गांधी जी के साथ भी होती थी यही चीज, पर बार बार कौन जाने देता। किंतु मन में इस नाटक को सैकड़ों बार दोहराया होगा। जैसे एक बार जो चीज हम ध्यान से देख लेते हैं या ध्यान से पढ़ लेते हैं तो वो हमारे अंदर वो बिल्कुल हमारे मन में वो बैठ जाती है और उसको हम जब चाहें तब उसको हम देख सकते हैं या उसका फिगर बिल्कुल हमारे आंखों के सामने नाचने लगता है। तो गांधी जी वही कह रहे हैं, मन ही मन उसको इन्होंने सैकड़ों बार दोहराया। हरिश्चंद के सपने आया करते, यानी पूर्ण रूप से हरिश्चंद का जो नाटक था उनके दिलो दिमाग पे बैठ गया था। हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादी सब क्यों नहीं हो जाते। यह धुन रहती, धुन माने क्या, लगन, मन में इच्छा या दृढ़ संकल्प। हरिश्चंद पर जैसी विपत्तियां पड़ी थी वैसी विपत्तियों को भोगना और सत्य का पालन करना ही वास्तविक सत्य है। अब विपत्तियां मतलब थोड़ा सा हम इससे प्रकाश डाल रहे हैं। विपत्ति का मतलब एक राजा होकर के अपने और पत्नी समेत बच्चों समेत दूसरे डोम जो श्मशान घाट में शव जलाते हैं उनके हाथों बिक जाना। अब समझो, आप लोग समझ लीजिए कि इससे बड़ी विपत्ति क्या हो सकती है। तो वही कह रहा, हरिश्चंद्र पर जैसी विपत्तियां पड़ी थी वैसी विपत्तियों को भोगना और सत्य का पालन करना ही वास्तविक सत्य है। मैंने तो मान लिया था कि नाटक में लिखी विपदाएं माने विपत्तियां, बुरा समय हरिश्चंद पर अवश्य पड़ी होंगी। हरिश्चंद का दुख देखकर उसे याद कर मैं खूब रोया हूं। हाँ देखिए, मैंने तो मान लिया था कि नाटक में लिखी विपदाएं हरिश्चंद पर अवश्य पड़ी होंगी। हरिश्चंद का दुख देखकर उसे याद कर मैं खूब रोया हूं। आज मैं समझ गया हूं कि हरिश्चंद कोई ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं थे। फिर भी मेरे मन में हरिश्चंद और श्रवण आज भी जीवित हैं। मेरा ख्याल है
कि आज इन नाटकों को पढ़ूं तो आज भी मेरी आंखों में आंसू आ जाएंगे। गांधी जी कह रहे हैं कि जैसी घटनाएं उनके जीवन में घटी तो कह रहा है कि ये केवल नाटक की ही अंश नहीं थी। कोई ये जैसे आज हम फिल्म देखते हैं या कोई सीरियल देखते हैं तो वो वास्तव में तो वो घटना घटती नहीं है, लेकिन हम उस सीरियल या नाटक को देख करके भाव विभोर हो उठते हैं। तो लेकिन गांधी जी कह रहे हैं कि जो चीजें हम देखे वास्तव में वो घटनाएं उनके जीवन में घटी ही थी, और उसको याद करके वो कह रहे हैं मैं खूब रोया हूं, क्योंकि उनके चाहे वो हरिश्चंद्र हो चाहे वो श्रवण कुमार हो, उनके जीवन में जो घटनाएं घटी उसको देख करके उनको खूब तकलीफ हुई, वही कह रहे खूब रोया हूं, और आज कह रहे मैं समझ गया हूं कि हरिश्चंद्र कोई ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं थे, फिर भी मेरे मन में हरिश्चंद्र और श्रवण आज भी जीवित हैं। अर्थात श्रवण कुमार और हरिश्चंद्र का नाटक का उनके दिलो दिमाग पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, और एक बार देख लेने के बाद भी आज वो जब चाहते हैं या जब भी हो मीन्स उनके जीवन में बार बार उनका स्मरण आता है, और वही करें मेरा ख्याल है कि आज इन नाटकों को पढ़ूं तो आज भी मेरी आंखों में आंसू आ जाएंगे। और सही हकीकत है कि अगर श्रवण कुमार और हरिश्चंद्र के नाटक को कोई भी देखेगा पढ़ेगा या उनकी गाथा के बारे में जानेगा तो वास्तव में वो भाव विभोर हो जाएगा और उसके वो आंखों से आंसू झलकने लगेंगे। तो इसी के साथ आज ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू।